जय बाबा की। क्या आप रोज ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें बाबा की सिद्धि प्राप्त करने के मंत्र बताए जाते हैं? क्या आप ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें आप सिद्ध तांत्रिक बन सकते हैं? क्या आप ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें आप बाबा की सवारी ले सकते हैं, बाबा की चौकी ले सकते हैं, बाबा का स्थान ले सकते हैं? क्या आपको बाबा का भगत बनना है? अगर ऐसी कोई भी वीडियो आप देखते हैं या बाबा की ऐसी किसी भी सिद्धि के बारे में आप सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाबा के दोस्तों, बाबा के भक्तों, बाबा के सेवकों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो हमारा उद्देश्य है बाबा की सही शिक्षा, सही प्रचार करना, उसमें हम सफल हो सके। तो गुरु गोरखनाथ के चेलो, गुरु नाथ के भक्तों, आपके लिए जय बाबा की। बोलो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, चाहरवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय। जय हो मेरे बाबा, तेरी सदा ही जय। तो भक्तों, स्वागत है आपका इस बाबा के चैनल चेला गोरख का। दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अक्सर ऐसी कोशिश करते हैं, हम अक्सर ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें कि एक मंत्र से एक रात में हम बाबा की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हम ऐसी वीडियोस देखते हैं जिससे कि हम मंत्र का प्रभाव से सिद्ध तांत्रिक बन सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस सर्च करते हैं या देखते हैं जिससे हम बाबा की सवारी ले सकते हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि बाबा की हम चौकी लगाएं, बाबा के भक्त बन जाएं, हमें बाबा की शक्तियां आ जाएं, हम बाबा के, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग में ऐसी वीडियोस को दिखाया जाता है, बनाया जाता है, समझाया जाता है कि इस मंत्र के जाप से 24 घंटे में हम बाबा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस मंत्र से हम सवारी ले सकते हैं, तांत्रिक बन सकते हैं। बाबा के आशीर्वाद से मैं एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब आडंबर है, सब झूठ है, क्योंकि झूठ कुछ नहीं होता, सब कुछ सत्य हो सकता है। किसी भी एक मंत्र का एक दिन 24 घंटे तो बहुत समय है भाई। ऐसे भी मंत्र हैं इस संसार में कि जिस मंत्र का आपने अगर सच्चे दिल से एक बार स्मरण कर लिया तो वो मंत्र अपना प्रभाव दिखा देता है। तो मैं इनको किसी को भी आडंबर या झूठ नहीं बोलता, पर मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ यहाँ पर कि अगर आप किसी भी ऐसे मंत्र की कामना करते हैं, ढूंढते हैं या बोलते हैं जिससे आप एक दिन में सिद्धि कर लें, आप या बाबा की सवारी ले सकें या चौकी ले सकें या तांत्रिक बन सकें, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और खासकर अगर आप बाबा को मानते हैं और चाहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी, जहारवीर महाराज जी आपका ध्यान रखें, आप पर अपनी कृपा बनाए, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए, तब तो ये बिल्कुल गलत है कि आप जल्दी से किसी भी मंत्र से उनकी सवारी लेना चाहते हैं, उनकी सिद्धि लेना चाहते हैं, उनकी जो है चौकी लेना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, फिर तो बिल्कुल गलत है अगर आप उनको मानते हैं, उनको ध्याते हैं। तो देखिए भक्तों, हमारा कार्य है, हमारा अपना एक उद्देश्य है कि हम बाबा की पूजा करें, बाबा का ध्यान करें, बाबा की साधना करें। चौकी देनी है नहीं देनी है, सवारी देनी है नहीं देनी है, ये कार्य बाबा पे छोड़ते हैं ना, ये उनका कार्य है। उन्हें देखना है कि उनका कौन चेला इस लायक हो चुका है या कौन सेवक उस लायक हो चुका है, उसको क्या देना है, कौन सी विद्या देनी है, कौन सी शक्ति देनी है। हमारा उद्देश्य तो केवल इतना रहना चाहिए कि हम जो भी पूजा करें, जैसी भी पूजा करें, हम बस बाबा को मनाएं, बाबा की साधना करें, बाबा के चरणों में हमें स्थान मिले, बाबा हम पर कृपा करें, बस। पर हम लोग गलत तरीके से कार्य करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सिद्धि कर लें फटाफट से, हम उनकी सवारी ले लें, हम तांत्रिक बन जाए, हम चौकी कर लें। क्यों, क्या जरूरत क्या है इसकी, आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? अच्छा, एक मुझे बात बताइए कि जब आप किसी चीज को जबरदस्ती पाना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है या कोई चीज
आपको आपकी कला, आपकी प्रतिभा या आपके संस्कारों को देखते हुए मिले वो अच्छा है। नॉर्मली एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अपने घर में हम पिताजी को, पापा को, मम्मी जी को या माता जी को, जो भी आप कहते हो, हम किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं, बार बार जिद करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है और हमें वो चीज़ कभी मिल जाती है, क्यों, माता पिता तो ऐसे ही होते हैं, दे देते हैं, ठीक है। पर वही चीज़ हम पापा मम्मी के संस्कारों में हैं, उनके प्यार में हैं, उनको जो है उनकी हर बात मानते हैं, खुश रखते हैं, और शाम को पिताजी आकर वही चीज़ हमें बिना मांगे दे देते हैं, तो आनंद किस में ज़्यादा आएगा आपको, जब आपने जिद करी, आपको रो के किल्स के वो चीज मिली, या जब आपने कुछ भी नहीं किया, बस अपना कर्म करते रहे और वो चीज पिताजी ने लाके आपको दे दी, तो आनंद किस चीज में ज्यादा है भक्तों, ये आप अपने आप देख लीजिए। बिल्कुल सही, उसी दिशा में, उसी तरीके से हम इसमें बात करते हैं, जब हम बाबा की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, हम बाबा को मानते हैं, बाबा को मनाते हैं, बाबा की स्थापना करते हैं, और हम सब कुछ अपने दिल से कर रहे हैं, तब बाबा हमें जो विद्या देते हैं, जो शक्ति देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो दर्शन देते हैं वो, और जब हम बाबा के पीछे पड़ जाते हैं जबरदस्ती, किसी मंत्र की सहायता से, किसी तंत्र की सहायता से, बार 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 कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, वो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। हम अक्सर मंदिरों के पास से गुजरते हैं या सड़क पर से गुजर रहे होते हैं, और वहां बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, दे दो करके आपके सामने आ जाते हैं, तब आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, वो भी किलस के देते हैं, पहले तो धड़का देते हैं, पहले मना कर देते हैं, और फिर वो ज़्यादा जेब में पड़ जाता है तो आप उसको ये 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये दे के निकल लेते हैं कि चलो छुट्टी, पीछा छोड़ हमारा। वहीं अक्सर आप मंदिर से निकल रहे हैं या सड़क पर जा रहे हैं, कोई असहाय, कोई वाकई नीडी व्यक्ति, भिखारी बैठा हुआ है, शांत है, आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आप देखते हैं आपको उसकी स्थिति, आपको उसकी शांत स्वभाव पर अपने आप ही मन करता है कि इसकी सहायता कर दूं, और जब आप अपना पर्स खोलते हैं तो शुरुआत ही 10 रुपए से होती है, वहां 1 रुपया, 2 रुपया का नहीं देखा जाता, तो 10, 20, 50, 100 आप उसको दे देते हैं। तो यही भावना है, जब आप अपने मन से देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, आप जब जबरदस्ती देते हैं तो बहुत सोच समझ के रुक के देते हैं। यही क्रिया मेरे महाराज के साथ होती है, जब आप जबरदस्ती करते हैं सिद्धि की, सवारी की या हर चीज की, तो कुछ मिलता है, और जब आप केवल साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, बाबा का प्रार्थना करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, तब आपको बहुत कुछ मिलता है, बिना मांगे मिलता है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, यही इच्छा है, यही मैं आपको सलाह दे सकता हूँ यहाँ से, कि किसी भी उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़े, बाबा की पूजा करें, बाबा की साधना करें, बाबा का ध्यान करें, जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, जो आपके कर्म कहते हैं, बाबा वो आपको बिना मांगे दे देंगे। आपको भगत बनना, आपको भगत बना देंगे, आपको चौकी चाहिए, आपको चौकी दे देंगे, आपको सवारी चाहिए, आपको सवारी दे देंगे, आपको सिद्धि चाहिए, आपको सिद्धि दे देंगे, बस आप अपना कर्म कीजिए, दिल से भावना के साथ, सच्ची लगन के साथ आप करते रहिए, आपको जरूर मिलेगा। बाबा गुरु गोरखनाथ हम सब पर कृपा करें, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा महाराज की।